सोलन के डमरोग रोड पर स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में स्कूटी में दो युवक सवार थे, जिनमें से एक बालक मृदुल की सर पर चोट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी चलाने वाले को हल्की चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मृतक युवक अपने दोस्त को लेकर अपनी नानी को मिलने उनके गाँव जा रहा था, लेकिन अचानक मोड़ पर स्कूटी का चालक नियंत्रण खो बैठा और स्कूटी एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसकी वजह से पीछे बैठे मनु को गहरी चोटें आईं और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। दोनों स्कूटी सवार नाबालिग थे, जो डीएवी स्कूल में 10वीं में पढ़ते थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार शर्मा ने बताया कि दुर्घटना में एक युवक की जान जा चुकी है, जिसका शव कब्जे में ले लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये दुर्घटना कैसे हुई, इस बारे में लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल दोनों युवक नाबालिग थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज सुबह लगभग 8:15 बजे हमें सूचना मिली थी कि दमरोग रोड जो है उस पे एक एक्सीडेंट हुआ है किसी स्कूटी का। इस पे इन्फॉर्मेशन मिलने पे पुलिस तुरंत मौका पे पहुंची तो पाया कि एक स्कूटी जिसका नंबर HP 16787 है और जिसको आयुष नामक एक लड़का चला रहा था, उसका एक्सीडेंट इस रोड पे हुआ है और इसमें एक बच्चा जो कि पिलियन राइडर था, जिसका नाम मृदुल है, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसको हॉस्पिटल में जब लाया गया तो उसको डॉक्टर्स ने ब्राउट डेड डिक्लेयर किया। इस पे पुलिस ने जो है बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और 279-337-3048 के तहत स्कूटी चालक के अगेंस्ट FIR दर्ज कर ली है। मेरा सभी लोगों से आह्वान भी है, आम जनता से आह्वान है कि वो नाबालिग बच्चों को जो कि स्कूटी चलाने में ट्रेंड नहीं है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको कृपया दोपहिया वाहन चलाने के लिए ना दें, और जो बच्चे ने अगर लाइसेंस भी बनवा लिया है तो उसको भी वाहन जो है अपनी देखरेख में ही दें और उसको प्रॉपरली जो है हेड गियर पहनने के लिए मोटिवेट करें। इवन पिलियन राइडर भी जो है हेड गियर पहने, ताकि किसी की बहुमूल्य जान को हम लोग बचा सकें।